तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर आप देख सकते हो कि भाई मेरे पास यहाँ पे दो ब्लूटूथ स्पीकर है और दोनों ब्लूटूथ स्पीकर का जो हमारा मॉडल नंबर है वो है KT125। अब यहाँ पे देखिए स्पीकर के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि ये जो स्पीकर है इसकी जो बैटरी थी वो खराब हो गई थी और बैटरी खराब होने के बाद कस्टमर ने सोचा कि इसकी बैटरी को हम घर पे ही रिप्लेस कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने क्या करा इसको गलत तरीके से खोल दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो इसके तीनों लोग यहाँ पे हमारे टूट गए हैं। और यहाँ पे देखिए उन्होंने जब इसकी वायर को हटाया तो वायर को भी इन्होंने उल्टा लगा दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे ये कनेक्टर वगैरह उन्होंने जुगाड़ करके लगाने की कोशिश करी और जिसकी वजह से इसका जो बोर्ड है ये पूरा हमारा शॉर्ट हो गया, इसकी जो मेन आईसी है वो हमारी खराब हो गई है। तो यहाँ पे आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास भी KT125 ब्लूटूथ स्पीकर है और उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो आपकी चार्जिंग पिन की प्रॉब्लम है या बैटरी बैकअप की प्रॉब्लम है, तो किस तरीके से आपको सही तरीके से अपने स्पीकर को खोलना है ताकि इसके जो लॉक वगैरह हैं ये खराब ना हो और आप अपना रिपेयरिंग का काम करके उसे ठीक तरीके से पैक कर पाओ। तो ये काफी दिनों से मेरे पास रिक्वेस्ट भी आ रही थी और आज फाइनली मेरे पास कुदरती है स्पीकर भी आ गया इसी कंडीशन में। तो आज की वीडियो मैं स्पेशली इसलिए बना रहा हूं और ये जो मेरे पास स्पीकर है ये बिल्कुल नया स्पीकर है, अभी दो दिन खरीदे हुए हैं इस स्पीकर को, लेकिन इसके अंदर बैटरी बैकअप की प्रॉब्लम आ गई है, यानी ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, आप जैसे पूरे दिन चार्जिंग पर रखोगे तब भी ये हमारा चार्ज नहीं होगा क्योंकि जो स्पीकर की बैटरी है वो हमारी खराब हो चुकी है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से आपको स्पीकर को खोलना है, किस तरीके से इसकी बैटरी को रिप्लेस करना है, सब कुछ मैं आपको तरीके से बताऊंगा ताकि जो हाल इस स्पीकर का हुआ है ये हाल आप ना कर दो गलती से। तो यहाँ पे देखिए स्पीकर के अंदर सबसे बड़ी कंफ्यूजन ही लोगों को ये हो जाती है कि जब हम स्पीकर को नीचे से देखते हैं ऊपर से देखते हैं तो कहीं पे भी हमें पेच नजर नहीं आता। यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं पे भी आपको पेच नजर नहीं आएगा और इसी वजह से लोग क्या करते हैं इसको यहाँ से पेचकस वगैरह लगा के इसको उठाने की कोशिश करते हैं और इसके लॉक वगैरह हमारे ब्रेक हो जाते हैं, जबकि इसके अंदर हमारे पेच लगे होते हैं लेकिन वो पेच ऐसे आपको दिखाई नहीं देंगे। इसके लिए आपको तरीका अपनाना पड़ेगा जो कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बता रहा हूं, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। अब यहां पे हमें स्पीकर की बैटरी तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें इसको खोलना पड़ेगा। तो खोलने के लिए देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये जो आपको स्टिकर टाइप से दिखाई दे रहा है ये हमारे पन्नी का स्टिकर लगा होता है, या तो आप इस पूरी पन्नी को उखाड़ दो। पूरी पन्नी को उखाड़ने से क्या होता है कि फिर ये दोबारा से चिपक नहीं पाती और देखने में बड़ा अजीब सा लगता है। तो यहाँ पे हमें इसके पेच को खोलना है। तो इसके पेच ना यहाँ पे नीचे की तरफ लगे होते हैं, तीन पेच होते हैं हमारे और वो पेच इस ट्रिगर के नीचे छुपे होते हैं। तो हमें क्या करना है उन पेच को खोलने के लिए, हमें इस तरीके का देखिए कोई भी पेचकस लेना है और पेचकस की मदद से देखिए इस तरीके से हमें ऐसे दबा दबा के देखना है। तो इस तरीके से जब आप दबा दबा के देखोगे तो कहीं ना कहीं आपका पेचकस अंदर चला जाएगा, जहां पे भी देखिए इस तरीके से मैंने इसको दबाया तो ये पेचकस हमारा अंदर चला गया है। तो यहाँ पे हमें होल मिल गया, इसी के अंदर हमारा पेच लगा हुआ है। इसी तरीके से जब आप आगे ऐसे दबाओगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका पेचकस हल्का सा अंदर जाएगा और वहीं पर आपको जोर लगाना है, जैसे कि यहाँ पे जा रहा है। तो इस तरीके से देखिए हम यहाँ पे जोर लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा पेचकस अंदर चला जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हमारा पेचकस अंदर की तरफ चला गया है। इस तरीके से यहाँ पे हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमारा पेच लगा हुआ है और उसके बाद फिर से हमें इसी तरीके से आगे की तरफ बढ़ना है। यहाँ पे जहाँ पे भी आपको लगे कि पेचकस अंदर जा रहा है इसी तरीके से आपको देख लेना है। तो जहाँ पे भी आपको डाउट हो वहीं पर आपको इस तरीके से कर लेना है। तो यहाँ पे मुझे डाउट हो रहा है तो मैंने यहाँ पे इसको कर लिया। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे मुझे पेच मिल गए हैं तो मैं यहाँ पे फटाफट पेच को खोल लेता हूँ। तो इस तरीके से ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे तीनों पेज को खोल लिया है और यहाँ पे ना दो होल मैंने गलती से कर दी। यहाँ पे हल्का हल्का हमारा पेज का दब रहा था तो मुझे लगा यहाँ पे होल है तो इसलिए यहाँ पे ये गलती से हो गया। तो यहाँ पे एक पेज हमारा यहाँ पे लगा था, एक यहाँ पे लगा हुआ था और एक हमारा बीच में लगा हुआ था। तो ये दो गलती से हो गए क्योंकि ये साइड में भी इसके जगह बची हुई थी, इसी वजह से पेचकस हमारा अंदर चला गया, लेकिन फिर भी हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको खोल लिया, इतना भी हमारा बेकार नहीं लग रहा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने तीनों पेज को खोल लिए और खोलने के बाद देखिए यहाँ पे आपको झटके से नहीं खोलना, इस तरीके से आराम से रखना है। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर भी आपको ध्यान देखना है खोलते समय कि यहाँ पे जो वायर लगी है कौन सी वायर कहाँ पे किस चीज की लगी हुई है। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको दो व्हाइट कनेक्टर दिखाई दे रहे हैं नीचे वाले,
ये हमारे स्पीकर के हैं और ये जो रेड कनेक्टर दिखाई दे रहा है ये हमारा बैटरी का है। तो यहाँ पे आपको निकालते समय भी ध्यान देना है, स्पीकर के साथ में यही चीज़ हुई थी कि यहाँ पे जब इन्होंने इसके कनेक्टर को खोला तो यहाँ पे इन्होंने बैटरी वाले कनेक्टर को डायरेक्ट स्पीकर वाले इसके अंदर डाल दिया और जिसकी वजह से क्या हुआ कि इसकी जो साउंड आईसी और मेन आईसी है ये दोनों हमारी ख़राब हो गई और ये पूरा बोर्ड हमारा शॉर्ट हो गया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी वजहों से यहाँ पे प्रॉब्लम बनती है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से देखिए इस पिन को हम इस तरीके से निकालेंगे, बड़े आराम से ये चीज़ें निकल जाती हैं। ये देखिए इस तरीके से ये निकल गया और ये हमारा इस तरीके से ये निकल गया। ये कनेक्टर अगर आप इसमें लगाओगे तो ये इसमें फिट हो जाएगा और यही गलती उन्होंने कर दी थी, इस बैटरी वाले कनेक्टर को इन्होंने इसमें लगा दिया जिसकी वजह से ये साउंड आईसी उनकी शॉर्ट होगी, क्योंकि ये हमारी बैटरी की वायर है और ये जो हमारी है ये हमारे स्पीकर की वायर है। तो अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो यहाँ पे देखिए साइड में कहीं लिखा भी होता है तो उस तरीके से आप पढ़ भी सकते हो बोर्ड के अंदर। इतना हमने काम कर लिया, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसकी बैटरी को रिप्लेस करना है। तो बैटरी को रिप्लेस करने के लिए देखिए बैटरी हमारी इसके बॉक्स के अंदर है तो इसको किस तरीके से खोलना है। अब ये नहीं कि यहाँ से आप इसको इस तरीके से खोलने लगे, इसके लिए हमें सबसे पहले इसके पीछे भी हमारे तीन पेज लगे होते हैं, उन पेज को हमें खोलना पड़ेगा। तीन से चार पेज आपको मिलेंगे तो इसके अंदर भी वही है, आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। या तो इस फॉर्म को आप पूरा उखाड़ दो, लेकिन ये फॉर्म फट जाएगा फिर चिपकेगा नहीं ठीक से, तो या तो वही तरीका है इस तरीके से आपको देखिए ऐसे दबा दबा के देख लेना है, जहाँ पे भी आपका पेचकस अंदर आपको लगे कि जा रहा है वहाँ पे आपको खोल देना है इसके अंदर। जहाँ पे इस तरीके से हमें दो पेज मिल गए, इसी तरीके से हमें फिर से आगे ऐसे बढ़ते जाना है और यहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा ये पॉइंट, इस तरीके से आपको देख लेना है। तो यहाँ पे देखिए मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे पेच है तो इसको हम इस तरीके से घुमाएंगे तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आइडिया लगेगा इस तरीके से, लेकिन आपको पेच मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए किस तरीके से छुपे हुए पेच, यहाँ पे हमारा पेच लगा है तो उसी हिसाब से मेरे हिसाब से यहाँ पे भी कहीं पेच मिलेगा। तो हम इसी तरीके से यहाँ पे भी देख लेते हैं इसको प्रेस करके, तो ये देखिए यहाँ पे भी हमारा एक पेच लगा हुआ है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसके अंदर ना पेज छुपे होते हैं तो आपको इस तरीके से काम करना है ताकि इसके अंदर ज़्यादा नुकसान ना हो। तो यहाँ पे देखिए हमने चारों पेज को ढूंढ लिया जो कि इस फॉर्म के नीचे छुपे हुए थे। तो इसी तरीके से आपको आइडिया लगाना है, आपको पूरा फॉर्म नहीं उखाड़ना। यहाँ पे इतना हमने काम कर लिया, अब इस तरीके से देखिए इसको हम पीछे की तरफ खींच लेंगे तो ये हमारा खुल गया है और इसके अंदर आप देख सकते हो चार पेज की जगह बनी हुई थी। तो यहाँ पे हमने काम कर लिया, अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसके कपड़े उतारने हैं क्योंकि बिना कपड़े उतारे हम इसके अंदर की चीज़ों को नहीं देख सकते। तो इस तरीके से हम इसके नंगा करेंगे, तो ये देखिए मैंने इसको नंगा कर दिया है और इसको हम साइड में रखेंगे। अब इसके अंदर भी देखिए आपको टोटल छः पेज मिलेंगे तो इन पेज को हमें खोलना है, तो मैं फटाफट इन पेज को खोल लेता हूँ पेचकस की मदद से। तो यहाँ पे क्या है कि होल तो इन्होंने छः दे रखे हैं लेकिन पेज हमारे टोटल चार ही लगे हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने चारों पेज को खोल लिया है, तो इस तरीके से देखिए हम इसको प्यार से उठाएंगे तो यहाँ पे देखिए बड़े आराम से ये चीज़ हमारी खुल गई है और इसके अंदर आप देख सकते हो ये हमारी एक लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है और दो हमारे स्पीकर लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बैटरी के अंदर प्रॉब्लम है तो सिर्फ बैटरी को रिप्लेस करना है। तो इस तरीके से देखिए हम बैटरी को उठा लेंगे और यहाँ पे देखिए फोम की मदद से ये दबा हुआ है तो इस तरीके से इसकी वायर को हम अलग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने अलग कर लिया है, तो हमारे स्पीकर के अंदर इस टाइप की बैटरी लगी हुई है। अब इस बैटरी के अंदर आप देखिए कि कहीं पे कोई भी जानकारी नहीं दे रखी कि भाई ये जो बैटरी है कितने एमएच की है, कितने वोल्टेज की है। वोल्ट का तो हमें पता है कि 3.7 वोल्टेज की बैटरी है, पर एमएच वगैरह कुछ भी इसके अंदर नहीं लिखा हुआ। तो ये जो इस टाइप की बैटरी होती है, इस टाइप के जो स्पीकर आते हैं उनके अंदर ज़्यादातर 1200 एमएच के सेल डले होते हैं। तो ये भी हमारा एक 1200 एमएच का सेल है, लेकिन इसके अंदर भी कई क्वालिटी आती है। तो इस टाइप के जितने भी स्पीकर होते हैं ना उनमें लगभग घटिया क्वालिटी के सेल ही यूज किए जाते हैं, जिससे ये होता है कि कुछ स्पीकर तो ठीक ठाक चल जाते हैं और कुछ स्पीकर ऐसे होते हैं जिनकी बैटरी 2-4 या 10 दिन में ही कम हो जाती है, उनका बैटरी बैकअप बिल्कुल जीरो हो जाता है, जैसे कि इसके अंदर हो गया। क्योंकि ये जो हमारा स्पीकर है ये आज से 2 दिन पहले ही खरीदा था कस्टमर ने और उसके बाद ही इसके अंदर प्रॉब्लम आ गई। जब भी आपके किसी भी स्पीकर की बैटरी खत्म हो जाए तो इसकी जगह पे आप किस तरीके से दूसरी बैटरी को डालोगे, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक बैटरी और है और ये जो बैटरी है ये हमारी 2600 एमएच की बैटरी है। तो इस स्पीकर के अंदर हम 2600 एमएच की बैटरी का यूज करेंगे। अब काफी सारे लोग ना इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं कि सर क्या हमारे स्पीकर के अंदर 1200 एमएच की बैटरी है तो क्या उसके अंदर हम 2600 एमएच की बैटरी लगाएंगे तो चार्ज होगी कि नहीं होगी, क्या हम उसके अंदर 3000 एमएच की बैटरी लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। तो आप बिल्कुल लगा सकते हो, आपके पास इस साइज का चाहे जितने एमएच का सेल हो आप लगा सकते हो, बस आपको उसके वोल्ट देख लेने हैं।
आपकी जो बैटरी है वो 3.7 वोल्ट की होनी चाहिए और साइज इसका सेम ही होना चाहिए, नहीं तो इस बॉक्स के अंदर भाई ये बैटरी नहीं आएगी। तो ये ध्यान दे लेना है आपको, बाकी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जितने ज़्यादा एमएच की बैटरी आप यूज करेंगे उतना ज़्यादा आपको बैटरी बैकअप यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैं 2600 एमएच का सेल यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अब देखिए सेल को लगाना कैसे है। लगाने के लिए देखिए जो हमारी इस बैटरी के अंदर वायर लगी है, इस वायर को हम यहाँ से इस तरीके से यहाँ से कट करके निकाल लेंगे और इसके अंदर वायर को जोड़ेंगे। अब वायर देखिए किस तरीके से जोड़ेंगे, क्योंकि इस टाइप की बैटरी के अंदर वायर लोग नहीं जोड़ पाते। अक्सर क्या करते हैं, जब लोग इसके अंदर सोल्डिंग करते हैं तो उनकी सोल्डर वायर इसके अंदर चिपकती नहीं है। तो उसके लिए देखिए किस तरीके से तरीका है। सबसे पहले हम इस वायर को पहले कट कर लेते हैं। कटर से वायर को कट कर रहा हूँ, क्योंकि इसी कनेक्टर का हमें यूज करना है, क्योंकि हमारे पास अलग से कनेक्टर नहीं है, तो यहाँ पे हम इसका ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हम वायर को निकाल लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसको कट ही कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ से हमने कट कर लिया और इस वायर को हम थोड़ा सा छील लेते हैं। तो मैं फटाफट इसको छील लेता हूँ दोनों वायर को। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने वायर को छील लिया है। अब इस वायर को हमें इस बैटरी के अंदर जोड़ना है। तो देखिए इस टाइप की बैटरी के अंदर जब हम सोल्डरिंग करते हैं तो काफ़ी सारे लोगों की सोल्डरिंग इसके अंदर नहीं हो पाती, वो किसी भी वायर को इस बैटरी के अंदर जोड़ नहीं पाते। तो उसका कारण क्या होता है और क्या है सही तरीका, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस बैटरी के अंदर ये हमारा प्लस पॉइंट होता है, पीछे वाला माइनस पॉइंट होता है। तो माइनस को आप यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ पर आपको हल्का सा इस पन्नी को हटाना है तो यहाँ पर माइनस की वायर जोड़ सकते हो, प्लस आपको यहीं पर जोड़ना होता है। तो जब भी आपकी इस टाइप की बैटरी हो और इसके अंदर आपको वायर जोड़नी है, सोल्डिंग करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस बैटरी को स्क्रैच करना है। तो स्क्रैच आप किसी भी चीज से कर सकते हो, आपके पास रेती हो, ब्लेड हो, पेचकस हो, किसी भी चीज से देखिए इस तरीके से आपको स्क्रैच कर लेना है। इसके ऊपर निशान जरूर मारना है। देखिए इस तरीके से मैं रेती की मदद से यहां पर निशान मार रहा हूं। तो इस तरीके से आपके पास जो भी औजार हो उससे आप इस तरीके से निशान मार लो। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं आपको फोकस करके दिखा दूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने निशान मार लिया, हल्का सा आपको निशान मारना है। और उसी तरीके से देखिए माइनस वाली वायर को हम यहाँ पे जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से इसको रगड़ लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे भी देखिए इस तरीके से मैंने स्क्रैच कर लिया है। तो ये हमारा माइनस पॉइंट है और ये हमारा प्लस पॉइंट है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट लगानी है। तो हल्की से हम पेस्ट लगा देंगे। देखिए ये देखिए यहाँ पे मैंने दोनों पॉइंट पे पेस्ट को लगा लिया है। अब पेस्ट लगाने के बाद देखिए यहाँ पे जो आपका सोल्डिंग आयरन होना चाहिए कम से कम 25 वाट का होना चाहिए और आपके घर पे फुल लाइट होनी चाहिए। लगभग आपके घर पे 200 से लेकर 220 वोल्टेज आनी चाहिए। अगर इससे कम वोल्ट आएगी तो यहाँ पे आपका जो सोल्डिंग आयरन है वो ठीक से हीट नहीं होगा और यहाँ पे आपकी सोल्डर वायर नहीं चिपकेगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसके अंदर ये नहीं कि आपको सीधे इसके अंदर सोल्डर लेनी है और इसके अंदर इस तरीके से सोल्डिंग करनी है। इस तरीके से करोगे तो यहाँ पे चिपक तो जाएगी, लेकिन फिर यहाँ पे ये होगा कि ये बैटरी ज्यादा हीट हो जाएगी। तो यहाँ पे इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, ये जो हमारा सोल्डर आयरन है इस तरीके से इसके ऊपर वायर को आपको मेल्ट करवाना है। देखिए इस तरीके से मैं वायर को रख रहा हूँ तो वायर हमारी तुरंत पिघल जा रही है। तो इस तरीके से आपको थोड़ी सी ज्यादा वायर को पिघलानी है हिसाब से कि नीचे न टपक जाए। अब उसके बाद देखिए जहाँ पे हमने स्क्रैच करा है, ये देखिए यहाँ पे हमने स्क्रैच करा है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको इस तरीके से रखूंगा तो हमारी देखिए सोल्डर वायर आराम से चिपक जाएगी। ये देखिए यहाँ पे हमारी सोल्डर वायर आराम से चिपक गई है, इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं करा। और उसके बाद देखिए हमें माइनस वाले पॉइंट पर रखना है। तो इसी तरीके से वायर को हम मेल्ट करेंगे और मेल्ट करने के बाद देखिए ये हमारा माइनस पॉइंट है। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से रखूंगा आयरन को और यहाँ पे इस तरीके से उठा लूंगा। बस मैंने रखा और उठा लिया, यहाँ पे हमारी सोल्डर वायर चिपक गई है। कुछ लोग इसके अंदर जुटे रहते हैं, ये पूरी बैटरी हीट हो जाती है लेकिन उसके बावजूद भी उनकी सोल्डर वायर यहाँ पे नहीं चिपकती। तो उसका यही कारण होता है कि वो बैटरी को स्क्रैच नहीं करते और पेस्ट नहीं लगाते और उनका जो आयरन है वो बराबर गर्म नहीं होता, क्योंकि उनके घर पे वोल्टेज कम आती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे देखिए इस वायर को हमें जोड़ना है, तो मैं वायर को भी देखिए फटाफट आपको जोड़ के दिखा रहा हूँ। इस तरीके से थोड़ी सी वायर और लेंगे और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम माइनस वाली वायर को जोड़ रहे हैं। इस तरीके से माइनस वाली वायर को मैं जोड़ के दिखा रहा हूँ आपके। और ये देखिए जैसे मैंने आयरन को रखा तो यहाँ पे देखिए हमारी माइनस वाली वायर जुड़ गई है और यहाँ पे देखिए ये हमारी प्लस वाली वायर है। तो इसको भी देखिए इस तरीके से रखना है और इस तरीके से बस आयरन को रखना है। तो यहाँ पे देखिए हमारी प्लस माइनस की वायर जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से जुड़ गई है। तो इस तरीके से जब आप काम करोगे तो आपकी बैटरी के अंदर वायर बड़े आराम से जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने बड़े आराम से वायर को जोड़ लिया है। अब उसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना, इसको बैटरी को फिर से उसी तरीके से रख देना है और यहाँ पे जो वायर हमारी जैसे निकली हुई थी उसी तरीके से हमें निकाल देना है। तो यहाँ पे वायर हमारी इस तरीके से निकली हुई थी, इतना काम हो गया। और उसके बाद जो इसके ऊपर का ढक्कन है तो इसको मैं लगा लेता हूँ। इस तरीके से आपको देख लेना जो जिस साइड में हो। तो यहाँ पे देखिए मैं इसके पेज को फटाफट टाइट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे चारों पेज को टाइट कर लिया है। अब उसके बाद देखिए हमें इसके कपड़े को पहनाना है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे कट बना हुआ है,
यहाँ पे कट बना हुआ है और हमारा इसके अंदर भी कट बना हुआ है, तो आपको इसी हिसाब से देखना है, इसको इस तरीके से रखना है। देखिए इस तरीके से हम रखेंगे, ये देखिए इस तरीके से हम इसको पहनाएंगे, जैसे छोटे बच्चों को पहनाया जाता है ना, वैसे सेम इसको भी पहनाना है। तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हमें इसके कपड़े को पहनाना है। तो यहाँ पे इतना आ गया, और उसके बाद देखिए ये जो हमारी सिलाई है ये इसके अंदर बीचों बीच ऐसे आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बड़े आराम से हमने इसको कपड़े पहना लिए निकम्मे बच्चे को, और इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो कट बना हुआ था तो उसका लेवल यहाँ पे बना हुआ है, तो इसको हम इस तरीके से मोड़ देंगे। इतना हमने इसको मोड़ दिया तो यहाँ पे फिर से उसी तरीके से हो चुका है। और उसके बाद ये जो इसके ऊपर का प्लास्टिक है इसको आपको बीचों बीच देख लेना है, इस तरीके से आपको देख लेना है बीचों बीच, और उसके बाद यहाँ पे इसके जो पेच हैं इसको टाइट कर देना है। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट इसके पेच को टाइट कर देता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने इसके चारों पेच को टाइट कर दिया है, और आप देख सकते हो पेच को टाइट करने के बाद पेच हमें बाल से दिखाई भी नहीं दे रहे। तो इस तरीके से आपको सफाई के साथ में काम करना है। तो यहाँ पे इतना काम होने के बाद ये जो कपड़ा है इसको बराबर से इस तरीके से करने के बाद आपको क्या करना है, जो इसके ऊपर का प्लास्टिक है इसको हम इस तरीके से रख देंगे। और प्लास्टिक को रखने के बाद देखिए यहाँ पे आपको अब ध्यान देना है कि कौन सी वायर कहाँ पे लगेगी। तो यहाँ पे ये जो रेड कनेक्टर है, ये रेड कनेक्टर हमारे बैटरी के लिए है, और ये जो आपको व्हाइट कनेक्टर दिखाई दे रही है ये हमारे स्पीकर के लिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आप इस रेड कनेक्टर को बैटरी वाली ये जो वायर है इसको आप इस वाले स्पीकर वाले पॉइंट में मत लगा देना गलती से भी, नहीं तो उसी टाइम हमारी ये साउंड ऐसी खराब हो जाएगी। तो ये गलती काफी सारे लोग करते हैं, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे देखिए बैटरी वाले कनेक्टर को हम रेड वाले पॉइंट पे लगाएंगे, और जो ये व्हाइट वाला है इसको हम स्पीकर वाले पॉइंट पे लगाएंगे। तो इस तरीके से इसको लगाना बिल्कुल आसान है, लगाने में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से देखिए हम इसको लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको लगा लिया है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे तीन पेच लगे हुए हैं, तो इस तरीके से आपको रखना है, और इस तरीके से रखने के बाद यहाँ पे जो हमारे पेच हैं इसको हमें दोबारा से टाइट कर देना है। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट इसको टाइट कर लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने इसके तीनों पेच को टाइट कर लिया है। अब टाइट करने के बाद आप देख सकते हो कि स्पीकर को मैंने जैसे खोला है बिल्कुल नया लग रहा है, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं लग रही है। देखिए भाई, थोड़े बहुत तो निशान पड़ेंगे, लेकिन एक तो ये है कि आप इसके लॉक वगैरह तोड़ दो तो वो काफी अजीब सा हो जाता है। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल सफाई के साथ काम किया है। अब चलिए मैं इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये इसका पावर बटन है, तो यहाँ पे देखिए मैं स्पीकर को ऑन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये स्पीकर ऑन हो चुका है, और बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये काम भी करेगा। यहाँ पे देखिए मैं मोड बटन से इसका एफएम मोड आपको चला के दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो करूंगा तो यहाँ पे देखिए ब्लूटूथ मोड पे आ गया है। तो इस तरीके से भाई आपको भी अपने स्पीकर के अंदर जो भी काम करना है, सफाई के साथ काम करना है, उसके लॉक वगैरह पेच वगैरह का आपको ध्यान रखना है कि कौन सा पेच कहाँ पे लगा हुआ है, और तभी आप अपने स्पीकर को खोल के उसकी रिपेयरिंग कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।